जय माता दी बंधुओं, सादर प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं मिथुन राशि के राशिफल के बारे में, दिनांक 25, 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर के लिए। वीडियो पूरा देखें और WhatsApp, Facebook पर शेयर जरूर करें। आज आपसे हमारा एक विशेष अनुरोध है। हमारी बहन का एक और YouTube चैनल है जिसका नाम जलवरी है। हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दी है। आपसे अनुरोध है कि हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इन दिनों चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, अर्थात आपके प्रथम भाव में होंगे और फिर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। इसके साथ ही इन दिनों मंगल का गोचर भी आपके चतुर्थ भाव में होगा और साथ ही बुध देव भी आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में चंद्र का गोचर प्रथम भाव में होने से आपके आत्मबल में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे आपको निर्णय लेने में समस्याएं आ सकती हैं। आपको इस समय अतिरिक्त मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति पैदा होती रहेगी और जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें भी अपने व्यापार में इस समय अच्छी खासी कमी का एहसास होगा। हालांकि चंद्र का गोचर द्वितीय भाव में होने से धन से जुड़ी हर समस्या धन प्राप्ति से दूर हो जाएगी, साथ ही आपको तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। ये समय पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि परिवार में आपसी सद्भाव देखते ही बनेगा। इन दिनों के मध्य में चंद्र का गोचर तृतीय भाव में होने से आप अपने भाई बहनों की मदद करेंगे, जिससे उनकी नज़रों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आप कहीं घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं, साथ ही आपको अपने प्रयासों में अल्प सफलता मिल सकती है। अंत में जब चंद्र का गोचर चतुर्थ भाव में होगा तो इससे परिवार में उठा पटक का माहौल देखने को मिलेगा। माता पिता का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। हालांकि इस समय आपका अपने कार्य क्षेत्र में मन पहले से अधिक लगेगा। इसके साथ ही इन दिनों के मध्य में मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक समस्या देखने को मिलेगी, जिससे परिवार में तनाव का माहौल रहेगा। माता पिता को भी स्वास्थ्य समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। इस समय खुद पर काबू रखें, अन्यथा आपका अपनी माता से झगड़ा होने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां तनावपूर्ण रहेंगे, ऐसे में खुद को संभालना आपके लिए सबसे बेहतर होगा। इसके बाद जब बुध देव आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे तो आपका नई चीजों को खोजने में एवं कुछ नया सीखने में मन ज्यादा लगेगा। ये समय आपकी संतान के लिए भी अनुकूल साबित होगा। छात्रों को इस समय मेहनत करने पर ही शिक्षा में सफलता हाथ लगेगी। वहीं व्यापारी और नौकरी पेशा जातकों को भी अपने प्रयासों में गति लानी होगी, तभी धन प्राप्ति का योग बनेगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और एक शेयर जरूर करें। ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। जय माता दी।